सो ये है अनंत अंबानी की शादी का कुछ नजारा, यानी कि इनसाइड व्यू। जब पूरी ही अंबानी फैमिली कुछ इस तरह खुशियों के रंग में रंगती हुई दिखाई दी, तो इनके फादर मुकेश अंबानी भी इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। ये चाहते थे कि ऐसी खुशियों को गवाया नहीं जाए, बार बार हासिल की जाए, तभी ये शादी बहुत ज्यादा लंबी चली। एंड मुकेश अंबानी ने अपनी स्पीच में ये कहा भी था कि हम ऐसी खुशियों को बार बार हासिल करना चाहते हैं। अनंत अंबानी की पगड़ी बांधने के लिए भी पूरा काफिला मौजूद था, तो मुकेश अंबानी भी इस काम में कैसे पीछे रह सकते थे। लाओ जी मेरे भी बांध दो एक पगड़ी। और तो और इस रेस में जॉन सीना को भी पकड़ के बैठा दिया, और खली भी यहाँ पर आए थे। तो लोगों का ऐसा कहना था कि मुकेश अंबानी जी एक फाइट करवा दो खली और जॉन सीना की, तो पूरी शादी आपकी और ज्यादा ट्रेंड हो जाएगी। हो सकता था कि रिचार्ज भी महंगे ना करने पड़ते। खैर छोड़ो, मुकेश अंबानी अपनी बहू राधिका को विदाई से पहले ही उठा ले गए। और तो और जब दूल्हे की बारात निकल रही थी तो वहाँ पर दुल्हन राधिका भी नाच रही थी। भाई ये कैसी बारात है जब एक लड़के की बारात लेके जा रहे हो और दुल्हन उस बारात में शामिल हो। अजीबो गरीब सा जमाना आ गया है ये।